তোমার অশোকে কিংশোকে অলক্ষ রং লাগলো আমার অকারণের শোকে তোমার অশোকে কিংশোকে। जब भी कोई ओकेशन या फिर इवेंट आता है उससे ठीक पहले पिंपल दौड़ दौड़ के आ जाता है कि कब आऊंगी मैं। अब क्या करें, सामने ही है होली और उससे पहले मेरी फेस का हालत बहुत खराब हो रखा है। एनीवे, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल / बसंत उत्सव स्पेशल एक मेकअप लुक। वेस्ट बंगाल में बसंत उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें येलो रेड व्हाइट रेड कॉम्बिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहनते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाइट रेड कॉम्बिनेशन पे एक मेकअप लुक। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूँ मोमिता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मेकअप लुक। बसंत उत्सव सेलिब्रेशन होता है सुबह, दैट मीन्स आपको सनस्क्रीन सबसे पहले अप्लाई करना है। एंड हियर आई एम यूजिंग माई वन ऑफ द फेवरेट सनस्क्रीन, दैट इज मामाअर्थ अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन। बहुत ही अच्छा एक लाइट वेट प्रोडक्ट है, इसका स्मेल मुझे बहुत पसंद है। अप्लाई करने के बाद बहुत ही इजीली ये आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है, व्हाइट कास्ट नहीं रहता है और आपके स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। आज भी मैं सबसे पहले मेरी आई मेकअप को कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि आज भी एक सिंपल येट ग्लैम लुक में शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने यूज़ किया ये वाला पैलेट फ्रॉम डी लैंस, इसमें आपको बहुत सारा कलरफुल शेड्स मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने आईब्रो को ड्रॉ कर लिया है। आज मैंने यूज़ किया है एक आईब्रो पेंसिल टू ड्रॉ माई आईब्रो। पहले मैंने गैप्स को फिल इन कर लिया है, उसके बाद मैं अच्छे से स्पूली से ब्रश कर लूंगी। अभी चलिए आई मेकअप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आई शैडो अप्लाई करने के पहले आईलिड को प्रिपेयर करना है। फॉर दैट आई एम यूजिंग मामाअर्थ कंसीलर। इसमें आपको डिफरेंट 3 शेड्स मिल जाएंगे जो कि काफी ज्यादा पिगमेंटेड है और आपके डार्क सर्कल को अच्छे से ये हाइड भी कर लेता है। तो मैंने अप्लाई कर दिया मेरी दोनों आईज के ऊपर और अभी मैं अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। आप चाहें तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। मैंने दोनों आईज पे ही ब्लेंड कर लिया है एंड एज यू कैन सी इसका कवरेज काफी अच्छा है और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है। अभी हम करने वाले हैं आई मेकअप। आज की आई शेडो लुक मैंने 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया है और टोटल मैंने 3 कलर्स को यूज किया है। सबसे पहले रेड शेड को पिक करना है और आउटर वी पोर्शन पे प्लेस करना है लाइक दिस। उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश यूज किया है और रेड कलर की जो एजेस है उसको हमने अच्छे से ब्लेंड किया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप मैंने यूज किया है एक लाइट पीच शेड, जो शायद आप कैमरे पे उतना अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। तो उस शेड को यूज करके मैंने रेड कलर की जो एजेस है उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। अलॉन्ग विद दैट मैंने जो क्रीज एरिया है उस पे भी अप्लाई किया है उस शेड को। दिस वॉज स्टेप नंबर 2। नाउ फॉर स्टेप नंबर 3 मैंने अप्लाई किया है एक गोल्डन शिमरी शेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक शेड है और सेम वही पैलेट से मैंने यूज़ किया है इस शेड को। एक मैंने फ्लैट शेडर ब्रश लिया है उसके मदद से एज कट क्रीज हमने अप्लाई किया है उस शिमरी शेड को। ये आई मेकअप बहुत ही सिंपल येट गॉर्जियस है एंड सिर्फ 3 स्टेप्स में आप इसको अचीव कर सकते हो। आज बहुत दिन बाद मैं आई लाइनर अप्लाई करने वाली हूँ और आज यूज़ कर रही हूँ माई फेवरेट मामाअर्थ आई लाइनर। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया वाला प्रोडक्ट, देन यू मस्ट चेक द प्रोडक्ट। बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। पहले मैंने सोचा था थोड़ा सा डिफरेंट कुछ विंग आईलाइनर ड्रॉ करूंगी, बट मेरे से हुआ नहीं, तो मैंने सिर्फ एक मोटा सा विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है। अभी मैं विद ट्रांजिशन दोनों आईज पे ही कंप्लीट कर लूंगी मेरी आई मेकअप को। सो 1 2 3 एंड गो। सो एज यू कैन सी दोनों आईज पे ही आई मेकअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है एंड मुझे तो ये वाला आई लुक बहुत पसंद आया। आई शैडो अप्लाई करने के बाद आई कलर की मदद से मैंने आई लैशेज को कर्ल कर लिया है और बाद में मैं मस्कारा भी अप्लाई करूंगी। आई मेकअप मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब चलिए फेस मेकअप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आज मैं यूज करने वाली हूँ मामाअर्थ हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम। ये एक लाइट वेट एंड हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है। दिस फॉर्मूला प्रोवाइड्स यू नेचुरल कवरेज एंड इट विल गिव यू ड्यूवी ग्लो एंड इट इज ऑयल फ्री। इट इज एनरिच्ड विद विटामिन सी विच गिव्स instant glow and brightens the skin. It also contains hyaluronic acid which deeply hydrates the skin and protects them from getting dry and patchy. It is available in 3 different shades, that is vanilla, peach and honey. Mamaearth ke sabhi products dermatologically tested hai, made safe certified hai aur aap isko regularly use bhi kar sakte ho. Serum foundation ko maine apply kar diya hai face pe aur abhi main concealer use karne wali hu meri dark circle ke upar. Dono eyes pe hi maine concealer ko apply kar liya hai aur abhi aaj main use karne wali hu aur ek newly launched product by the brand Mamaearth. And here I am using a lip and cheek tint by Mamaearth और इसमें आपको 3 डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे। एंड हियर आई एम यूजिंग द शेड 03 जो कि एक पिंकी शेड है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। मुझे तो वाला प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। दिस हैज़ क्रीमी मैट टेक्सचर एंड दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। सभी क्रीम प्रोडक्ट्स मैंने अप्लाई कर लिया है। अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ मामाअर्थ लूज पाउडर टू सेट माई मेकअप एंड ये वाला प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी पसंद है। आप कैमरा पे भी शायद विजिबल रिजल्ट देख पा रहे हो कि कितना अच्छे से ये आपके मेकअप को सेट कर देता है। कंसीलर जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है वहाँ
यहाँ पे एंड फुल फेस पे ही मैंने अप्लाई कर दिया है इस पाउडर को। अभी हमने फेस को सेट कर लिया है यूजिंग अ मेकअप सेटिंग स्प्रे। बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस पार्ट, क्योंकि ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है एंड मेकअप आपके फेस पे एकदम बैठ जाता है और बहुत ही अच्छा एक नेचुरल लुक आता है। अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ मामाअर्थ मस्कारा। ये एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट है जो आपके आई लैशेस को इतना ज़्यादा वॉल्यूम देता है कि आपको फॉल्स आई लैशेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट वन थिंग इज़ दैट कि ये उतना ज़्यादा वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आप पानी देते हो आइस पे देन मस्कारा आपका एकदम ख़राब हो जाएगा। तो आइस मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है, अभी मैं लिप्स को ड्रॉ करने वाली हूँ। फॉर दैट आई एम यूजिंग अ लिप लाइनर एंड ये वाला लिप लाइनर इतना अच्छा है कि फुल लिप्स पे ही अप्लाई हो जाता है। तो मैंने सिर्फ आज लिप लाइनर ही यूज़ किया है। उसके बाद आइस को थोड़ा सा और गॉर्जियस बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है वाइट काजल। मैंने दोनों आइस पे ही काजल को अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ हाइलाइटर। यहाँ पे मैंने गोल्डन शेड की हाइलाइटर को यूज़ किया है और फेस पे जहाँ जहाँ पे यूज़ किया जाता है मैंने फुल फेस पे ही अप्लाई कर लिया है हाइलाइटर को। मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करती हूँ, ऑलवेज सेटिंग्स पर यूज़ करने के बाद आप हाइलाइटर यूज़ कीजिए, इससे हाइलाइटर का जो ग्लो है वो और भी ज़्यादा उभर के आएगा। माई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, बट कैमरा पे ना आपके आई लैशेज उतना ज़्यादा दिखता नहीं है, उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉल्स आई लैशेज। बट डेफिनेटली दिस इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल, सिर्फ आप एक अच्छा सा मस्कारा यूज़ कीजिए, इससे ही आपके आई लैशेज बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस लगेगा। सिर्फ मैंने वीडियो के लिए ही यहाँ पे फॉल्स आई लैशेज का इस्तेमाल किया है। आई गॉट सम क्वेरीज ऑन दिस कि कैसे आई लैशेज को अप्लाई किया जाता है, तो मैंने ऑलरेडी मेरी चैनल पे वीडियोस दिया है, आप प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लेना। अभी मैंने साड़ी पहन लिया है और हेयर के लिए मैंने बन किया है और उसके साइड में मैंने दो फॉल्स फ्लावर भी ऐड किया है। बॉशन तो उसका स्पेशल मेकअप है, हेयर में फ्लावर ना लगा हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता। हेयर स्टाइल कंप्लीट एंड ज्वेलरी पहनने के बाद मुझे लगा कि आज मैं थोड़ा सा ग्लॉसी लिप्स करती हूँ, क्योंकि ऑलवेज मैं मैट लुक ही करती हूँ। तो आज मैंने यूज़ किया है एक लिप ग्लॉस ताकि लिप्स थोड़ा सा ब्राइट लगे। अगर आप चाहें तो मैट भी रख सकते हो, बट ग्लॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस लुक के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। तुम्हारा शोके किंग शोके অলক্ষ রং লাগলো আমার অকারণের সুখে তোমার অশোকে কিং সুখে অলক্ষ রং লাগলো আমার অকারণের সুখে তোমার ঝয়ের দোলে মুরমুরিয়া উঠে আমার দুঃখ রাতের গান। So that's about my today's video. I hope this was helpful for you all and I hope आप लोगों को पसंद आया आज के वाला मेकअप लुक। कैसा लगा do let me know in the comment down below। और अगर आप मेरी वीडियोज को देखते हो, पसंद करते हो, बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया then please hit the subscribe button along with the bell icon ताकि आपके पास मेरे से अब नए videos का notification सबसे पहले पहुंच जाए। आज की ये video मैं यहीं पे खत्म करूंगी और मिलते हैं मेरे next video पे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए bye।